फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्में खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अब बात करने वाले हैं भगवान की वाणी की। ये भगवान की वाणी क्या है पूरी बात बताऊंगी, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। फ्रेंड्स, एक्टर्स और बाकी सब लोगों के अपडेट्स देखने के लिए मैं सोशल नेटवर्किंग पर देखती रहती हूँ, और उतने में मुझे भगवान कृष्ण यानी कि नितेश भारद्वाज जी और भगवान राम यानी कि अरुण गोयल जी, इन दोनों के अपडेट्स देखना मिले और बहुत अच्छे लगे। नितेश भारद्वाज जी जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि कैसे चार्ल्स डार्विन जो कि बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले लोगों के सामने लाकर ये रखा था कि मनुष्य की उत्पत्ति ऐसी हुई, लेकिन यह सच नहीं है। जो महर्षि वेदव्यास है, उन्होंने जब विष्णु पुराण लिखा था और सारे अवतारों के बारे में लिखा था, तभी मनुष्य की उत्पत्ति लोगों के सामने रख दी थी। फ्रेंड्स, मैं भी एक साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ, उसमें हमें बताया गया था कि पहले पानी में जीव था, फिर पानी से बाहर आया, ऐसा जीव बना कि जो दोनों जगह रह सकता है, फिर जमीन पर रेंगने वाला बना, उसके बाद उसकी उत्पत्ति आगे बढ़ी और फिर वो बना उड़ने वाला पक्षी बना, पक्षी के बाद वो फिर जमीन पर आया और चौपाई जैसा चलने लगा, उसके बाद फिर वो सीधा खड़े होने की कोशिश करता रहा और फिर एक दिन बहुत सीधा इंसान होमो सेपियन बनकर लोगों के सामने आया, होमो सेपियन सेपियन। और अगर उसने प्रकृति का ख्याल नहीं रखा तो यही प्रकृति उसे खत्म भी कर देगी। और आई थिंक यही बात नितेश जी समझा रहे थे अपनी पूरी बातों में कि कैसे अलग अलग अवतार हुए, कभी मत्स्य अवतार हुआ तो कभी वराह अवतार हो गया, कभी परशुराम अवतार हो गया, कभी कृष्ण अवतार, कभी गौतम बुद्ध अवतार और एंड में काल की का अवतार। बहुत खूबसूरती से ये बात रखी है, साइंटिफिकली मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही थी उनका ये बात पूरी, देखिएगा जरूर। और वहीं अरुण गोयल जी की अगर मैं बात करती हूँ, तो वॉज टॉकिंग अबाउट लोकल पर वोकल, जो कि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि फाइनली काम तो वही आया जो पास की दुकान में परचून की दुकान वाला ही काम आया, या फिर जो डेली प्रोडक्ट्स भी हमारे देश में बन रहे हैं वही काम आ रहे हैं, उसी पर स्ट्रेस दीजिए। कॉम्पिटिशन भी है तो अपने देश में दो लोगों के बीच में रखिए, रमेश पसंद नहीं तो महेश के पास चले जाइए, लेकिन कॉम्पिटिशन आपस में ही रखिए, किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दोनों ने विचार बहुत अच्छे से रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा और फिल्मी खिचड़ी पे बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।